सो लेट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम रवि भाई के साथ कोलेबरेशन वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। इस भाई के चैनल का नाम है एफ टू जेड टेक और भाई काफ़ी दिन से यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, तो ये भी अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रवि भाई आप अपना इंटरव्यू दीजिए। तो सबसे पहले टेक रेस्क्यू भाई का मेरे तरफ से भाई थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने चैनल पर मुझे आने का मौका दिया है। एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा भाई वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल भी होगा अगर आपको चैनल को ग्रो करने में, ठीक ना। तो भाई वीडियो को पूरा देखना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड भाई टेक रेस्क्यू भाई आप अपने चैनल को मतलब क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रवि भाई आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं। तो देखिए सिंपल से मैं बताना चाहूँगा, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक ना, क्योंकि मेरा रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि मैंने बिंदास कावे के ऊपर वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो से मेरा सारा क्राइटेरिया ही कंप्लीट हो गया था, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4 घंटे का जो क्राइटेरिया होता है सारा कंप्लीट हो गया था। एंड रिसेंटली मेरा 4-5 दिन हो गया है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो मतलब फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज ही है। तो रवि भाई आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप जब यूट्यूब स्टार्ट किए तो आपको यूट्यूब स्टार्ट करने का नॉलेज कहाँ से आया। तो देखिए अगर मैं सिंपली भाषा में बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का नॉलेज कहाँ से आया, तो मैं अभी टेक कैटेगरी में काम करता हूँ, बट इसके पहले मैं टेक कैटेगरी के मतलब मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में जो है ना गेमिंग में स्टार्ट किया था, मैं जो 2 साल से 2.5 साल पहले जब इंडिया में पबजी था सब अभी तो टाइम पे बीजी भाई पबजी था, तो पबजी में मैं गेमिंग खेलता था एंड उस टाइम पे मैं गेमिंग का काफ़ी अच्छा खासा खेलता था। उस टाइम पे मैं गेमिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट कर लिया एंड उस टाइम पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट भी आता था एंड मेरे चैनल पर 14 से 15 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए थे। बट रिसेंटली बीच में हुआ क्या कि इंडिया में जो पबजी को बैन कर दिया गया, अब बैन करने के बाद मतलब मेरा माइंड भाई पूरा काम नहीं करता था कि करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं पूरे दिन पबजी खेलना पबजी की वीडियो बनाना। बट रिसेंटली क्या हुआ कि पबजी बैन हो गया एंड बैन होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि भाई मैं मतलब कि समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो फिर किसी तरीके से मैं यूट्यूबर बहुत सारे वीडियो देख रहा था, तो वो लोग क्या कि VPN लगा कर गेम खेलना स्टार्ट कर दिए थे। अब वो लोग क्या कि VPN लगा गेम खेलना स्टार्ट कर दिए, तो मैं भी जो है ना VPN लगा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पर हुआ क्या कि जो भी मेरे मतलब व्यूअर थे जो भी मुझे देख रहे थे, तो उन लोगों ने कमेंट किया भाई VPN लगा कैसे गेम खेलाता है, उन लोग पूछने लगे। तो मैंने भी क्या किया था, मुझे उस टाइम पर यूट्यूब का नॉलेज नहीं था, मैंने एक वीडियो बना दिया कि VPN लगा के कैसे गेम खेलते हैं एंड मैं एक वीडियो नहीं बनाया, बैक टू बैक 3-4-5 वीडियो बना दिया। अब उसके वीडियो बनाने के बाद कुछ दिन बाद मेरे सभी वीडियो पर स्ट्राइक पड़ जाती है एंड उस टाइम पर मुझे स्ट्राइक कुछ भी नहीं पता था कि स्ट्राइक क्या होती है, क्योंकि मेरा उस टाइम पर मतलब कि मुझे यूट्यूब बारे में कहने बिल्कुल नॉलेज नहीं था, सिर्फ गेम खेलता था रिकॉर्ड करता था डाल देता था एंड मेरा चैनल डिलीट हो गया। तो मतलब आज से मतलब 2.5 साल पहले मैंने गेमिंग स्टार्ट किया था, बट अभी के टाइम पर तो टेक में काम करता हूँ। जब मेरा चैनल डिलीट हो गया तो फिर मैं ब्लॉगिंग में शिफ्ट हो गया, बट ब्लॉगिंग जो है ना गाँव में थोड़ा सा करना मतलब ये बोलते हैं ना कि सक्सेस नहीं हो पाता, गाँव के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर मैंने टेक वीडियो स्टार्ट कर दिया एंड अभी टेक में अभी रेगुलर काम कर रहा हूँ, तो मतलब कि 2.5 साल पहले से स्टार्ट किया था एंड अभी 2.5 साल हो गया रेगुलर काम करता हूँ यूट्यूब टेक का। टेक रवि सबसे पहले आपको मतलब ये कहना चाहेंगे कि आप अपने अपने आप को मतलब संभाल सके, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया था अर्निंग भी कर रहे थे और उसके बाद से आपका चैनल है मतलब डिलीट हो गया, तो यार काफ़ी बुरा मतलब हुआ आपके साथ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग काम करते हैं यूट्यूब चैनल पर बाद में उसका चैनल पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं। देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको YouTube के पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसी है एंड मुझे यही मेरे से गलती हो गया था कि मेरे YouTube के बारे में पॉलिसी ही पता नहीं था। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको YouTube पे जो भी पॉलिसी होती है जो भी रूल है नियम है उसको पता होना चाहिए, ताकि अगर आप कोई भी पॉलिसी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं तो YouTube भाई एक्शन बहुत लेता है, बहुत फास्ट एक्शन लेता है एंड आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, फिर आपका वहाँ पर कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक ना, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पर काम करें तो थोड़ा सा आपको YouTube के पॉलिसी के बारे में जान लीजिएगा, वरना देखिए अभी के टाइम पे क्या है ना कि YouTube चैनल डिलीट करने में सोचता नहीं है, कहीं अभी के टाइम पे ना मिलियन वाले सब्सक्राइबर्स को भी चैनल डिलीट कर देता है, सोचता नहीं है। तो अगर आपका 1 लाख में सब्सक्राइबर्स है 1000 में तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको यूट्यूब के थोड़ा पॉलिसी के बारे में जान लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई वीडियो बनाना है तो भाई वीडियो बनाना ईजी होता है, लेकिन पॉलिसी के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है एंड पॉलिसी जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पॉलिसी पता करनी चाहिए, ठीक ना। लाइक बाकी अगर यूट्यूब चैनल हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है, हैंडल तो कोई भी कर सकता है, बस होता है कि आपको पॉलिसी पता होना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई यूट्यूब के पॉलिसी के बारे में जरूर आप जानिएगा। हाँ जी, पॉलिसी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी बात मतलब जरूरी है, नहीं तो आपका चैनल कभी भी मतलब और अगेंस्ट में वीडियो डालते हैं तो डिलीट हो जाएगा। अभी के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे लोग चैनल डिलीट हो रहा है, आप देखिए बैक टू बैक चैनल डिलीट हो रहा है, तो थोड़ा पॉलिसी को भी पता होनी चाहिए। हाँ, यूट्यूब के सर्वर से 2-4 चैनल डिलीट हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है भैया उसका। आज के टाइम पे क्या है कि देखिए सभी के वीडियो पर ऐड चला रहा है जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो वहाँ से भी अर्निंग कर रहा है, तो उसको तो कोई प्रॉफिट मतलब कि आपका मतलब कि जब बोलते हैं ना नुकसान नहीं होने वाला यूट्यूब का, एकदम नहीं होगी। तो रवि भाई आप ये बताइए कि आप यूट्यूब पर काम करने का नॉलेज आपके पास कहाँ से आया, किस यूट्यूबर से सीखे आप, इसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यूट्यूब के बारे में नॉलेज कहाँ से आया, तो देखिए अगर कोई भी बंदा यूट्यूब स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसको नॉलेज नहीं होता है, ठीक ना। एंड मैं भी वही था कि मेरे को भी यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं था, बशर्ते कि मुझे इतना पता था वीडियो एडिटिंग के बारे में, थोड़ा सा वॉइस ओवर करने के बारे में, थोड़ा थंबनेल के बारे में पता था क्योंकि मैं गेमिंग में काम करता था। बाकी अगर यूट्यूब की मैं बात करूँ नॉलेज का, तो नॉलेज मैंने भी यूट्यूब पर नहीं था, लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे यूट्यूबर के वीडियो देखना सीखते गया। एंड हर बंदे के साथ यही होता है कि भाई नॉलेज नहीं होता, लेकिन कोई बंदा जब यूट्यूब पर काम करने का सोच लेते हैं ना, तो आप रेगुलर काम करते हैं तो वीडियो देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं एंड यूट्यूब पर काम करते हैं। तो सेम मेरे साथ यही था, मैंने भी यूट्यूबर के वीडियो देखता गया देखता गया। एंड अगर मैं बताना चाहूँगा, मैं कोई पर्टिकुलर एक यूट्यूबर के वीडियो नहीं देखा हूँ यूट्यूब के कैटेगरी में, ऐसे तो मनोज देव हो गए, मतलब कि जैसे टेक्निकल योगी सर हो गए, मैं स्मार्ट सफर धर्मेंद्र सर हो गए, और भी काफ़ी सारे क्रिएटर हैं, सभी के वीडियो देखता हूँ, लेकिन पर्टिकुलर मैं एक वीडियो को देखा मिलकर मैं वही बता रहा हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को देख करके नहीं आया था, क्योंकि आया था तो गेमिंग में आया था, और गेमिंग में आया था किसी और बंदे को देख करके। बाकी टेक में आने का कुछ रीज़न ये था कि चैनल डिलीट होकर तो आया, तो वही रीज़न है कि मतलब मैंने किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को देख कर नहीं आया था। तो हाँ, जैसे मैं आपसे मतलब बहुत सारे आपके वीडियोज़ में देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से आप मिलने गए हैं, ठीक है, कोलेबरेशन वगैरह किए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि बड़े यूट्यूबर से मिलने से हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, हाँ देखिए या ये मतलब क्या कुछ? था ना कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, होता क्या है हाँ कि जब मैं जो मीटअप करने गया था, कुछ मतलब कोई जैसे टेक्निकल मतलब टेक चैंपियन सपोर्ट सर आए थे, नित्या सर थे, धर्मेंद्र सर थे, जब वहाँ मिलने के लिए गया था, तो ये मैं जरूर कहूँगा कि देखिए मिलने से चैनल तो ग्रो नहीं होता है, मैं ये जरूर कहूँगा, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब मैं उनके पास मिलने के लिए गया था, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि देखो रवि यूट्यूब पर पैसा बहुत है, रेगुलर काम करोगे तो चैनल ग्रो हो जाएगा। जब मैंने उनके लोग मतलब उन लोगों के साथ बैठा था, 3-4 घंटे बात किए, तो भाई जो बात कर रहे थे ना, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मतलब वो लोग बात भी कर माहौल रहे ही थे अलग सारे था। यूट्यूब के, वो बात भी कर रहे थे सारे यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में कि यूट्यूब पर ऐसे वीडियो चलाते हैं, ऐसे वीडियो रैंक करती है, हम लोग का जो वीडियो हाँ एक नहीं निकल पाता है, उन लोग ये मतलब स्ट्रेटेजी लगा रहे थे कि भाई ये वीडियो ऐसे बनाओगे तो निकल जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था। तो मैं इतना हाँ जरूर उन कहूँगा कि अगर आपको मान लीजिए कि कभी भी यूट्यूबर से मिलने का मौका मिला है, तो बिल्कुल छोड़ना मत, ठीक ना। चैनल ग्रो हो एकदम या नहीं ना हो, छोड़ेंगे। लेकिन लेकिन अगर मैं अगले बता रहा हूँ कि देखिए चैनल ग्रो हो या ना हो, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब मैंने भी गया था, तो भाई हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला था, काफ़ी लोगों ने मतलब उन लोगों ने मोटिवेट किया था। अगर जो भी लोग वो वीडियो मेरा देखा होंगे, तो वहाँ पर क्या था कि जब मैं पहली बार मिलने गया था, तो मेरा हाथ कांप रहा था, जब वीडियो शूट करने के हाँ बाद देखे थे तो मेरा आपका पूरा आपका हाथ मतलब कांप रहा है। कैमरा वीडियो। तो फिर वहाँ धर्मेंद्र सर ने आराम से मुझे बैठाया पास में, नित्या सर, टेक जेबी सर, समझाए कि देखो रवि स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन तुम रेगुलर काम करो, तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है कि धीरे धीरे अभी के टाइम पे एक्सपीरियंस मेरा बढ़ गया, बोलने का तरीका से चेंज हो गया, तो रेगुलर काम करोगे तो हो जाता है, लेकिन यूट्यूबर से मिलने का जो मौका मिले तो छोड़ना मत, बिल्कुल मिल लेना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड यही चीज़ जी मेरे जी लाइफ में हुआ था, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था उससे। हाँ, अगर ऐसा मौका मिलता है तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप लोग भी नहीं, फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको मैं भी सभी को ये मौका नहीं छोड़ना है। सभी को ये बोलता हूँ कि देखिए अगर मौका मिलता है, तो आप ये नहीं कि मुझे चैनल ग्रो नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं, आपको सीखने को हाँ बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि अगर बड़ा जी क्रिएटर है, तो अगर यूट्यूब पर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका नॉलेज तो होगा ना, तो आपको हाँ जाना चाहिए, एक्सपीरियंस मिलना है चाहिए, बिल्कुल। जरूर। चलिए, और देखिए रवि भाई, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, ठीक है, काम भी करते हैं, खूब जोश के साथ काम बिल्कुल। करते हैं, शुरू में 50-100 वीडियोस डाल देते हैं, ठीक है, डालने के बाद उनको लगता है कि यार अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमको प्रमोशन कराना पड़ेगा, तो अच्छा क्या वो अच्छा अपना चैनल को प्रमोशन करा के ग्रो कर सकते हैं? आप ही इसके भी बारे में कुछ देखिए बताइए। अगर प्रमोशन की अगर बात करूँ, तो प्रमोशन से मुझे नहीं लगता कि किसी का आज तक चैनल ग्रो हुआ है ना ग्रो होने वाला, ठीक ना, हाँ जो भी होता है आपके डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन प्रमोशन से थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाता है आपको, अगर मान लीजिए कि जी आप किसी से प्रमोशन करवाते हैं, थोड़ा बहुत आपके चैनल पर बूस्ट मिल जाता है, लेकिन जो भी ऑडियंस आती है, उसकी ऑडियंस होती है, उसके वीडियो देखती थी, तो अब आपको क्या है ना, वहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर प्रमोशन करवाए तो आपको क्या करना है कि अपने चैनल पर स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है कि मुझे उसकी तरह काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो हाँ ऑडियंस आपके पर रुक पाएंगे, ठीक ना। बाकी जी प्रमोशन से चैनल ग्रो नहीं होता है, आपके अंदर कुछ टैलेंट होना चाहिए, ठीक ना, आपके अंदर खुद का नॉलेज हाँ होना चाहिए, तो ही लोग आपके वीडियो को देखेंगे। बाकी प्रमोशन से जी सिर्फ सोचेंगे कि चैनल ग्रो हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, समझ रहे हैं ना। हाँ काफ़ी जी न्यू क्रिएटर के अभी के टाइम पे क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा जो भी नए नए बंदे आ रहे हैं, उनका माइंड में यही रहता है कि मेरा प्रमोशन से चैनल ग्रो हो जाएगा। बट भैया मैं आपको बता दूँ, प्रमोशन से चैनल ग्रो नहीं होता, जब तक आपके पास खुद का नॉलेज नहीं है, तब तक कुछ नहीं हाँ होने वाला है, बिल्कुल एंड ये रियलिटी है। हाँ। मान लीजिए कि अगर कोई बंदा है, उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, उसको 10 मिलियन वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल दे दिया बिल्कुल जाए, बिल्कुल। तो उस पर वो क्या कर सकता है? उसके पास नहीं, कुछ वहीं तो नॉलेज नहीं देखिए, है तो। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपका मोनेटाइज करके ही चैनल दे दे, तो जब तक आपको वीडियो हाँ बनाने नहीं आएगा, लोगों को कुछ बताने नहीं आएगा, तो फिर लोग आपके कैसे देखेंगे, सिंपल सी बात जरूर है, यही चीज़ होती हाँ। है। चलिए, और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि जो यूट्यूब पर हम लोग तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे हम जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो कोई इस कैटेगरी में चैनल ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताइए उनको भी। देखिए मैं इतना ही जरूर कहूँगा कि अगर आप यूट्यूब टीम में काम करना चाहते हैं, तो अभी के टाइम पे मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत है, ठीक ना।
काफ़ी सारे क्रिएटर हैं जो 600 700 800 वीडियो डाल करके उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ, एंड आप लोग खुद मेरे को भी एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने भी 300 प्लस वीडियो डाल दिया बट कुछ अच्छा खासा रीच नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं ठीक ना, तो अदर कैटेगरी में भी आइए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब टिप्स में आना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और साथ में आप कोई मतलब कि ऐसे कंट्रोवर्सियल वीडियो में मत पड़िएगा। आप अपने चैनल पर खुद से रेगुलर काम करिए एंड अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करिए, 100% चैनल ग्रो होता है ठीक ना। बाकी यूट्यूब पर देखिए, बाकी यूट्यूब पर क्या है ना, लक भी मैटर करता है, किसी किसी का लक होता है चैनल ग्रो होता है, किसी का लक नहीं होता है तो नहीं होता है ठीक ना, तो लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी आप काम कर सकते हैं, अगर आपके पास डेडिकेशन है पेशेंस है तो काम करिए, 100% मैं बोलूँगा चैनल ग्रो होता है ठीक ना, नहीं होता नहीं होता है, नहीं तो नहीं होगा ठीक ना, हो जाएगा, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए, 100% चैनल ग्रो हो जाएगा। कहीं ना कहीं लॉग भी डिपेंड करता है अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आज के टाइम पे देखिए माई फर्स्ट वीडियो काफ़ी लोग का वायरल हो रहा है, सभी लोग का लक होता है, निकल जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जैसे माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल हो गया ठीक है, हाँ, और बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग के लिए भी आ गए। तो जैसे मैं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ब्लॉग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी को देखकर ऐसे में लगता है कि एनर्जी आ गया हमारे अंदर, हम भी ब्लॉग बना लेंगे और आ जाते हैं। एक चीज़ बता रहा हूँ ब्लॉगिंग के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आज के टाइम पर लोगों का ब्लॉग चैनल ग्रो ना होने का राज क्या है कि लोग एक दूसरे कॉपी करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप अभी के टाइम पर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो ना ही आपका फेस वैल्यू है, ना ही सेलिब्रिटी है आप, तो आपके वीडियो को लोग क्यों देखेंगे, बात यह है ना, क्यों देखेंगे, सिंपल बात है। तो अगर आपके वीडियो को लोग नहीं देखेंगे तो फिर आपको क्या करना है कि जब भी आप ब्लॉग चैनल स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है ना, कुछ अपने जो भी आप एरिया में रहते हैं वहाँ का जो फेमस प्लेस है उसका वीडियो बनाइए, या फिर कुछ अपने गाँव देहात में जो फेस्टिवल होता है उसका लोगों का वीडियो दिखाइए, कहीं ना कहीं लोग आपके वीडियो को देखेंगे। स्टार्टिंग में आपको डेली लाइफ नहीं दिखानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक ना। हाँ, अगर आपका मतलब मान लीजिए पहले से कुछ फेस मतलब वैल्यू नहीं बना है तो आप अपने बारे में डेली लाइफ के दिखाएंगे तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा ठीक है, क्योंकि आप कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना है। सही बात है, कोई नहीं देगा, तो इसलिए आप लोग जो फेमस पहले से उसको दिखाइए, उसको लोग देखना पसंद करेंगे ठीक है। चलिए आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जैसे गेमिंग चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें जानते हैं क्या करते हैं ना, सिर्फ म्यूजिक लगा देते हैं, म्यूजिक लगा कर अपने चैनल पर डाल रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि काफ़ी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं ठीक है, तो वो लोग पता उन लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है कि हाँ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए यार, उन लोगों के बारे में कुछ बोलिए। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी सबसे पहला पॉइंट के जो भी सिर्फ म्यूजिक लगा का वीडियो बनाता है तो उसका चैनल तो यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता है। सबसे पहले आपका फेस वैल्यू नहीं है एंड आप अगर साउंड नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा ठीक ना। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जो भी छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम पर ऐसा वीडियो बना रहे हैं म्यूजिक लगा करके, तो उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं अगर आप यूट्यूब पर जो बंदा रेगुलर काम करता है कुछ सीखने को जरूर मिलता है, क्योंकि अगर कोई बंदा यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है तो हाँ उसका मायने ये है कि मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, लेकिन अगर वो म्यूजिक लगा काम कर रहा है एक बार मतलब कि उसका चैनल ग्रो नहीं हुआ तो कुछ तो उसको सीखने को जरूर मिलेगा ठीक ना। स्टार्टिंग में जो बंदा ऐसा कर रहा है तो करो ठीक ना, लेकिन आपको कुछ सीखते रहना है, क्योंकि इस तरह से चैनल तो मोनेटाइज नहीं होता है ठीक ना। लेकिन अगर आप सीरियस हो यूट्यूब को लेकर के तो आप अपना फेस वैल्यू दिखाओ उसमें, अपना मतलब वॉइस तो ही जाकर चैनल मोनेटाइज होगा, वरना आज के टाइम पे यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज हो चुका है, सिर्फ म्यूजिक लगाने से चैनल ग्रो नहीं होता है, कभी मोनेटाइज ही यूट्यूब नहीं करेगा, फिर आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये समझना पड़ेगा जी। मतलब म्यूजिक लगाकर सिर्फ चैनल को ग्रो नहीं कर सकते, आपका एफर्ट डालना पड़ेगा। देखिए ग्रो कर सकते हैं लेकिन मोनेटाइज यूट्यूब नहीं करेगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज नहीं करेगा। मतलब दूसरे का भी वीडियो डालेंगे तो इससे भी आपको कुछ फायदा नहीं वाला है। तो अब यूट्यूब पर जब काम करना है तो आप लोगों को पक्का है कि अपना खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं होगा चैनल मोनेटाइज। देखिए मान लीजिए कि अगर आपको दूसरे का वीडियो डालना है तो उसका फेस वैल्यू बन रहा है, उसका साउंड रहे तो फिर आपका कोई नहीं पहचानेगा ना। हाँ, कोई नहीं पहचानेगा, बात सही है, ये भी समझना पड़ेगा लोगों को जी। तो रवि भाई, आपको इस चैनल पर आकर कैसा लगा, और लास्ट में आप ऑडियंस को कुछ क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताइए लास्ट। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा भाई, अगर आप यूट्यूब पर काम करो तो रेगुलर काम करो ठीक ना, आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होता है होना ठीक ना, क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है व्यूज अप डाउन हमेशा होते रहता है, बट अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो कभी ना कभी आपका चैनल ग्रो ठीक होगा ठीक ना। तो बाकी दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भाई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना ठीक ना, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं ठीक ना। तो बाकी दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही, एंड भाई मैं आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड आपके चैनल पर भी आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा ठीक ना। तो सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया, तो चलिए बस आज की वीडियो में बताएं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, आप हमारे चैनल पर आए, और रवि भाई के चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इनको ही सपोर्ट कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं। बाकी बस यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।